योम मजदूर के हवाले से पेशावर में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की मुशीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीन मुकाम का कहना था कि सूबे में मजदूरी की हालत आज भी नहीं बदली, जिसके जिम्मेदार ANP और PTI की हुकूमतें हैं। उनका कहना था कि इमरान खान के हवाले से बात करना वक्त जाया करना है। उन्होंने इमरान खान को यूटर्न में PhD होल्डर करार दिया। अभी इमरान खान की पर बात करना तो वैसे भी वक्त जाया करना है कि उसको तो सुबह एक बात कर दी, शाम दूसरी बात कर दी, इसके आगे तीसरी बात कर दी। अभी तो उसने वो PhD से आगे दूसरी डिग्री भी हासिल की यूटर्न में। तकरीब से मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी खिताब किया, जिनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की दौर हुकूमत में लोड शेडिंग के दौरानी में खातिर ख्वाह कमी आई है। उस दर्द में आराम नहीं हो रहा उनको, और अब तो सूबे में अल्लाह के फजल करम से आज जो पैगाम जाएगा उससे मेरे ख्याल में लक्षणों तक उनको मरोड़ ही रहेंगे। योम मई के हवाले से पेशावर में दीगर तंजीमों की जानिब से भी रैलियां निकाली गई। बादशाह खान चौक में PTI की MP आरिफ यूसुफ की क्यादत में भी CDI लेबर यूनियन ने रैली निकाली। वापड हाइड्रो यूनियन की जानिब से भी योम मजदूर की मुनासिबत से रैली का इनेकाद किया गया। कैमरा टीम के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़ पेशावर।